Hello friends, welcome to my YouTube channel Trendonomics by हर्ष दीक्षित। आज मार्केट वॉलेटाइल रहा और फिर क्लोजिंग ऑलमोस्ट लगभग फ्लैट आई है, थोड़ी माइनस में आई है लेकिन वॉलेटाइल था दोनों साइड मार्केट ऊपर नीचे। तो क्या लग रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी? सो आई एम गोइंग टू डिस्कस निफ्टी बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक क्या लग रहा है। अभी 3 दिन छुट्टी है अभी, तो क्या अभी नेक्स्ट वीक क्या होगा सो मैं डिस्कस करूंगा। इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, वॉच टिल एंड। इफ यू आर न्यू, इफ यू स्टिल हैवंट सब्सक्राइब, चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स पे। यस, फॉलो मी ऑन ट्विटर, लाइव मार्केट में मैं ट्विटर पे मेरे ओपिनियन देता हूँ मार्केट में क्या लग रहा है अभी लाइव मार्केट में। यस, मेरे पोस्ट डालता हूँ, चार्ट भी डालता हूँ। यस, दिस इज माई हैंडल @ ट्रेंडोनॉमिक्स HD। ओके, सो लेट्स सी क्या है। तो कल हमने डिस्कस किया था कि ये W वेव हो गया। ओके, लेट्स गो। पहले तो ब्रॉड टाइम फ्रेम से हिसाब से तो देखो, अक्टूबर लो से ये हाई तक हो गया 5 वेव्स। बेसिकली रिलेट वेव का मॉडल क्या बोलता है, 5 वेव्स के बाद 3 वेव्स डाउन आते हैं। लॉन्ग टर्म काउंट बाद में देखेंगे। यस, लॉन्ग टर्म काउंट से अभी फिलहाल हमें मतलब नहीं है। यहां से बुल मार्केट चालू हुई है। यस, 1 2 1 2 वापस ये 1 और 2 ही है मेरा। यस, मैं इसको 3 और 4 नहीं ले रहा हूँ, इसको मैं क्या ले रहा हूँ, 1 और 2 ले रहा हूँ। यस, कुछ कुछ लोग बोलेंगे कि ये 3 है फिर 4th वेव आएगा फिर 5th ऊपर जाएगा, बट मेरा भी व्यू है कि ये 3 ऑफ 3 में 1st हो गया, अभी 2nd नीचे आ रहा है। यस, तो क्या करेक्शन खत्म हो गया? तो नहीं, डेफिनेटली नहीं, करेक्शन खत्म नहीं हुआ है। तो कहाँ तक चलेगा, कब अभी नीचे आएगा मार्केट, तो अभी क्या काउंट है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। यस, तो ये एक लेग हो गया। देखो ए बी सी, ये क्लियर एबीसी दिख रहा है, क्लियर एबीसी दिख रहा है। डब्ल्यू, तो उसको क्या बोलेंगे, डब्ल्यू। यस, तो ये कॉम्प्लेक्स थोड़ा करेक्शन है, WXY। ट्रिपल जिगजैग करेक्शन आ सकता है, डबल जिगजैग करेक्शन आ सकता है। यस, तो ये एबीसी यहाँ एक लेग हो गया। ओके, उसके बाद ये ऊपर आया कल बराबर। तो हमने डिस्कस किया था कि एक्स वेव आ रहा है, एक्स वेव आ रहा है, और उसका हमने क्या दिया था कि अगर इसके नीचे जाता है 413 के नीचे, यस 413 410 के नीचे जाता है तो मेरे लॉन्ग्स काट दूंगा। तो पहले 5-10 मिनट्स में ही वो हो गया, मैंने लॉन्ग्स काट दिए क्योंकि वो एक्स वेव का जो ऊपर जाने वाला था वो इनवैलिड हो गया। फिर मैंने बोला था कि कल क्या हमने डिस्कस किया था कि इसके नीचे तो लॉन्ग्स काटने हैं बराबर, तो लॉन्ग्स काट दिए। फिर ये भी टूटता है तो शॉर्ट करेंगे, तो मैंने शॉर्ट भी किया। तो क्या मैं आज शॉर्ट होल्ड करके गया हूं? नहीं। यस, तो देखो सिंपल, ये एक्स यहाँ पे खत्म हुआ है क्या? एक्स बहुत छोटा है, मुझे नहीं लगता एक्स यहाँ पे खत्म हुआ है। यस, ओके, तो समझो अभी हम लोग यहाँ पे हैं। ओके, ये कैंडल में बार रिप्ले करता हूं मैं। ओके, हम यहाँ पे हैं और हमने समझो शॉर्ट ले लिया, क्योंकि यहाँ पे हमारा डिस्कस हुआ था कि ये इसके नीचे लॉन्ग काटना है और शॉर्ट में जाना है बराबर, इसके नीचे जाएगा तो बराबर। तो शॉर्ट ले लिया ये स्टॉप लॉस से। तो अभी हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीचे मीन्स ये W हो गया, ये X शायद हो गया, या फिर ये C का 1 हो गया, C का 2 हो गया बराबर, ऐसे हम सोच सकते हैं। जब तक राइट हैंड साइड पता नहीं क्या होने वाला है, तब तक हम क्या सोच सकते हैं कि ये X हो गया या फिर ये C का 1 और 2 है बराबर। यस, ये सोचते हैं। तो हमें अगर हम बोल रहे हैं कि ओके नीचे जाना है यानी Y वेव में या फिर C के 3rd में नीचे जाना है, तो ये लेवल तोड़ के नीचे जाना चाहिए बराबर, ये लेवल तोड़ के नीचे जाना चाहिए तो ही नीचे जाएगा मार्केट, अदरवाइज मार्केट नीचे नहीं जाएगा। तो क्या गया मार्केट? नहीं। तो अभी हम देखते हैं बार रिप्ले में क्या होता है। 15 मिनट्स की कैंडल है। ओके, तो नीचे आया। ओके, चलो हमारे डायरेक्शन में जा रहा है मार्केट बराबर। ओ, और नीचे आ गया। ओके, ऑलमोस्ट यहाँ पे आ गया। ओके, ओ अभी यहाँ पे देखो ऊपर आ गया मार्केट। ये स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पे, क्यों? ओके, 5 मिनट की कैंडल में जाता हूं मैं। ओके, वापस बार रिप्ले में जाऊंगा, मैं पीछे जाऊंगा थोड़ा। ओके, ओके तो नीचे आ रहे हैं। हम सोच रहे कि ये वाई वेव में या फिर सी का थर्ड चालू हो गया बराबर, फिर तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। ये देख यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट, ये स्टॉप लॉस हिट हो गया अभी हमारा बराबर। उसके बाद मैंने यहाँ पे वापस लिया था शॉर्ट, मैंने लिया था वापस शॉर्ट और फिर ये लेवल के नीचे जाना चाहिए। वो जा रहा है क्या? फिलहाल तो नहीं जा रहा है। यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस हिट करके वापस ये कैंडल में शॉर्ट लिया था, बोला चलो ये 1 और 2 हुआ रहेगा बराबर। ओके बाहर रिप्ले चल रहा है। ओके हम अभी सोच रहे हैं कि नीचे ही जाएगा मार्केट, नीचे जाएगा बराबर, लेकिन वो हो रहा है क्या? ये लेवल तोड़ा है क्या? ये लेवल नहीं टूटा है। यस तो मेरा स्टॉप लॉस अभी यहाँ पे है, तो ये मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे ले लिया मार्केट ने। यस ये मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे ले लिया मार्केट। उसके बाद मैं कब शॉर्ट करूंगा? जब इसके नीचे जाएगा बराबर, क्योंकि एक बार यहाँ पे मैंने रिस्क ले ली, चलो वापस शॉर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हो गया। अब मुझे कब शॉर्ट करना है? जब इसके नीचे जाएगा। इसके नीचे गया क्या? ऑलमोस्ट टेस्ट किया लेकिन गया नहीं। यस और ऑप्शन में भी आपको बताता हूं मैं। ओके इसको हम लेते हैं यहाँ पे, सॉरी ये नॉट ए, एक मिनट लेट्स सी। तो देखो यहाँ पे तो हमारा मींस एंट्री हुआ नहीं, वापस एंट्री हुआ नहीं बराबर। ओके थोड़ा स्क्रीन वापस शेयर करता हूं मैं। ओके तो देखो मैं अभी ऑप्शन में पोजीशन बताता हूँ कहाँ पे मैंने एंट्री वापस की। तो देखो मॉर्निंग में मैंने ये कैंडल में बाय किया था ऑप्शन, ओके जो ये कैंडल थी यहाँ पे मैंने बाय किया। ये स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस है। फिर मेरा स्टॉप लॉस कहाँ कटा? यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस ये कैंडल में कट गया बराबर। ये देखो शायद यहाँ पे कुछ कटा रहेगा, क्या लेवल है ये? हाँ ये कैंडल 11:15 का ये वाला, यही इधर में ही मैंने काट दिया स्टॉप लॉस। यस 11:15 की कैंडल में। यस क्योंकि ये यहाँ पे देखो ये कैंडल में आई थिंक 11:20 की कैंडल में कटा मेरा। यस यहाँ पे कुछ मेरा कैंडल में ये स्टॉप लॉस कट गया। उसके बाद मैंने एंट्री कहाँ पे की वो भी बताता हूँ। तो मैंने ये कैंडल में एंट्री कर ली, ये कैंडल में यहाँ पे जब नीचे आ गया ना तो मैंने रिस्क ले लिया कि चलो एंट्री वापस कर देता। फिर मेरा स्टॉप लॉस कब कटा? तो मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे कट गया यहाँ पे ये कैंडल में। ये कैंडल देखो 45 का, ये देखो ये मैं बोला ना ये कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस कट गया बराबर। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कट गया वापस। तो पहले यहाँ पे लॉन्ग काटा, फिर यहाँ पे शॉर्ट किया एंट्री बराबर। यहाँ पे शॉर्ट एंट्री की, उसका स्टॉप लॉस ये कैंडल में काटा ये वाली। उसके बाद वापस मैंने यहाँ पे ये कैंडल कंप्लीट होने से पहले ही मैंने थोड़ा रिस्क ले लिया, बोलो चलो रिस्क कम है तो मैंने ले लिया। यस उसका स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे कटा कुछ 145 के आसपास आई थिंक यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे ये कैंडल 145 में मेरा फाइनली ये देखो, ये देखो ये वाला ये स्टॉप लॉस काट दिया मैंने। उसके बाद मैंने एंट्री ली नहीं। क्यों नहीं ली मैंने एंट्री? क्यों नहीं ली एंट्री? तो देखो एक बार पहले मेरा लॉन्ग था वो मैंने काट दिया, फिर उसके बाद पुट ले लिया। यस ये पुट ले लिया यहाँ पे काट दिया। फिर वापस ये कैंडल में बहुत जल्दी एंट्री ले ली और यहाँ पे काट दी मैंने। ओके, ये वाली कैंडल 145 की, राइट। उसके बाद क्या मैंने इसके नीचे एंट्री की, ये तो ऐसे दिख रहा है कि इसके नीचे गया, यस, लेकिन मैंने एंट्री नहीं की। क्यों नहीं की? मुझे ये डे लो के नीचे चाहिए, मुझे डे लो के नीचे क्लोजिंग कैंडल चाहिए थी, तो मैं रुका था। मैंने स्टॉप लॉस कहाँ पे डाला था? मेरा स्टॉप लॉस मैंने डाला था यहाँ पे, देखो इसके ऊपर। अगर इसके ऊपर जाएगा तो ही मैं बाय करूंगा ऑप्शन, इसके ऊपर जाएगा तो ही मैं ऑप्शन बाय करूंगा, वरना मुझे पुट ऑप्शन बाय करने में कुछ भी दिलचस्पी नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ तक आ गया लेकिन इसके ऊपर नहीं आया, तो मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं की, राइट। देखो तो अभी मेरा पे कोई भी पोजीशन नहीं है। ओके, अभी मेरा कोई भी पोजीशन है नहीं, तो अभी वेव काउंट क्या बता रहा है? तो अभी देखो सिंपल, ये एबीसी एक डब्ल्यू हो गया, फिर यहाँ पे एक्स कंप्लीट नहीं हुआ है, यस, ये थ्री वेव में ऊपर जा रहा है, फिर वापस ये थ्री वेव में नीचे आ रहा है, फिर वापस ऊपर गया मार्केट, यानी ये कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ये एक्स में ही अभी भी चालू है, यस। तो ऊपर एक्स में जाएगा शायद ए बी सी, तो देखो तो ये क्या हो रहा है, देखो ए बी सी, फिर वापस ये आ गया ए बी सी, राइट, और फिर वापस ऊपर जाएगा ए बी सी में, ए बी सी, ऐसा एक्स होगा यहाँ पे, और उसके बाद नीचे आएगा। तो मैंने लॉन्ग नहीं लिया, क्योंकि ए बी सी में ऊपर जाएगा तो उसके लिए मैं लॉन्ग नहीं ले रहा, ओवर बहुत बड़ा वीकेंड है, यस, तो इसलिए मैंने लॉन्ग नहीं लिया। अभी एक चीज डेफिनेट है, ऊपर जाएगा तो शॉर्ट ही करना है, जब भी एक्स वेव कंप्लीट होगा मैं शॉर्ट ही करूंगा, मुझे दूसरा कोई ट्रेड लेना नहीं। हाँ, क्या गैप डाउन हो सकता है? पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि एक्स लगता नहीं है एक्स कंप्लीट हुआ है, यस, एक्स कंप्लीट हुआ है लगता नहीं है, ओके। लेकिन अगर होता है तो शॉर्ट ट्रेड तो शॉर्ट ही लेना है, लॉन्ग का ट्रेड लेना ही नहीं, क्योंकि ये कोई पॉसिबिलिटी मुझे दिखती ही नहीं कि ये करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। कुछ भी एबीसी हुआ, उसके बाद एबीसी के बाद अगर करेक्शन कब कंप्लीट होता है कि इंपल्स आएगा, इंपल्स आया, इंपल्स नहीं आया, ये करेक्टिव आया, उसके बाद वापस नीचे करेक्टिव आया, यस, तो वापस ऊपर करेक्टिव ही आएगा, ऊपर इंपल्स नहीं आएगा, यस, मेरे हिसाब से ऊपर इंपल्स नहीं आना चाहिए, करेक्टिव आएगा। अगर करेक्टिव आता है और फिर वापस नीचे जाता है तो मैं शॉर्ट करूंगा, डेफिनेटली शॉर्ट ही करना है, ओके। तो वेट करेंगे, कहाँ तक आएगा, कौन सी लेवल तक आएगा एक्स, तो एक ट्रेंड चैनल डालते हैं फिलहाल। ओके, तो ये लेवल तक आ सकता है, देखो ये लेवल तक एक्स आ सकता है, यहाँ तक 600 तक, ओके, 600 तक एक मंडे को आ सकता है, राइट। उसके बाद ही मैं शॉर्ट करूँ। हाँ, अगर इसके नीचे जाता है, पता नहीं, अभी ये तो मुझे ऐसा कोई दिखता नहीं कि ये 1 और 2 हो गया, फिर वापस 1 और 2 हो गया, मीन्स वो टाइम ले रहा है, बहुत टाइम ले रहा है, यस। तो मैं क्या करूंगा, या तो इसके नीचे जाएगा तो शॉर्ट करूंगा, या फिर यहाँ पे वेट करूंगा शॉर्ट करने के लिए, फिर यहाँ से जब घूम जाएगा ना, यहाँ से जब घूम जाएगा तो शॉर्ट करूंगा, घूमने से पहले नहीं, घूमने से पहले नहीं, घूम थ्री वेव पैटर्न ऊपर आने दो, उसके बाद थोड़ा रिवर्सल आने दो नीचे, उसके बाद ही शॉर्ट करना है, करना तो शॉर्ट ही है, यस। लॉन्ग का इंटरेस्ट नहीं है मुझे फिलहाल, तो प्राइस एक्शन देखेंगे वनडे क्या होता है, उसके बाद सोचेंगे। बैंक निफ्टी में ऊपर लग रहा है मुझे रिट्रेसमेंट, ओके। डेली चार्ट पे क्या लग रहा है? तो डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी में देखो, मैंने कल ही कहा था कि मुझे लग रहा है कि एक बाउंस बैक आना चाहिए यहाँ पे, इसलिए कल हम लॉन्ग भी लेके गए थे, लेकिन आज वापस नीचे आया, नीचे आके वापस इसने हैमर बना दिया, बराबर। तो क्या पैटर्न बन रहा है बैंक निफ्टी में? क्या ये वेव 2 यहाँ पे खत्म हुआ है? तो नहीं पता, फिलहाल नहीं पता। इंपल्स आई है क्या? इंपल्स तो नहीं आई है, मीन्स क्या यहाँ पे वेव 2 खत्म हुआ है बैंक निफ्टी का? शायद हुआ भी रहेगा, शायद नहीं भी हुआ रहेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में तो बहुत अच्छा करेक्शन हो गया, बैंक निफ्टी में करेक्शन प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों बहुत अच्छा करेक्शन हुआ है। तो अच्छा, तो निफ्टी का करेक्शन नहीं हुआ है कंप्लीट, ये तो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ, मैं एकदम श्योर शॉट बोल रहा हूँ निफ्टी का करेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो क्या बैंक निफ्टी का करेक्शन कंप्लीट हो सकता है? हाँ, इंटर मार्केट डाइवर्जेंस तभी तो आता है, इंटर मार्केट डाइवर्जेंस तभी तो आता है। देखो यहाँ पे इंटर मार्केट डाइवर्जेंस आया तो टॉप बन गया निफ्टी का, बराबर। यहाँ पे इंटर मार्केट डाइवर्जेंस आया तो निफ्टी का टॉप बन गया। तो अगर वापस समझो बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाती है, अभी हमें पता नहीं है कि ये कंप्लीट हुआ है कि नहीं, हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि क्या मीन्स 3 वेव में ऊपर जा रहा है या 5 वेव में ऊपर जा रहा है, वो ऑब्जर्व करेंगे, राइट। अगर 5 वेव में ऊपर जाता है और नीचे 3 वेव में आके हायर बॉटम बनाता है, नीचे जाता नहीं है ज्यादा, यस, और वो टाइम अगर निफ्टी नीचे जाता है, ओके, आई विल शो यू इंटर मार्केट डाइवर्जेंस क्या होता है, वो दिखाता हूँ अभी। ओके तो देखो यहाँ पे जब इंटर मार्केट डाइवर्जेंस आया, देखो बैंक निफ्टी लोअर टॉप बना, निफ्टी में हायर टॉप बना, मार्केट रिवर्स हुआ। तो अभी क्या हो सकता है कि शायद ये वेव टू करेक्शन मे भी, मैं बोल नहीं रहा कंप्लीट हुआ है, मैं बोल नहीं रहा, लेकिन ये चांस है कि यहाँ पे शायद करेक्शन कंप्लीट फिर ऊपर जाता है यहाँ पे, यस। उसके बाद मीन्स 5 वेव्स में ऊपर, 5 वेव्स में इंपल्स में ऊपर जाना चाहिए, उसके बाद 3 वेव्स में नीचे आना चाहिए, हायर बॉटम बनना चाहिए और रिवर्स करना चाहिए, यस। और मीनवाइल निफ्टी क्या करेगा, ऊपर जाएगा 3 वेव्स में, फिर नीचे आएगा वापस 3 वेव में, नया लोअर बॉटम बनाएगा, फिर रिवर्सल। ये चांस मैं बोल रहा हूं, बोल नहीं रहा हूं कि ऐसा ही होगा, बट ये चांसेस है कि बैंक निफ्टी बॉटम बना के 5 वेव्स में ऊपर, फिर एक हायर बॉटम बनाएगा, मीनवाइल निफ्टी लोअर बॉटम बनाएगा, इंटर मार्केट डाइवर्जेंस आएगा और फिर मार्केट का करेक्शन कंप्लीट होके मार्केट ऊपर जाएगा। ऐसा चांसेस है, ये होगा नहीं होगा वो तो हम ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन फिलहाल निफ्टी का करेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, फिलहाल निफ्टी का करेक्शन कंप्लीट हुआ नहीं है। बैंक निफ्टी में भी बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, एक्स वेव ऊपर आके वापस वाई वेव नीचे, वो भी हो सकता है, यस। यहाँ पे क्या हुआ है, ये देखो, ये डब्ल्यू एक्स वाई हुआ, ये डब्ल्यू हो गया, इसको मैं इंपल्स नहीं ले रहा, ये देखो ये एबीसी डब्ल्यू, फिर एक्स, फिर वापस एबीसी वाई। अभी या तो इंपल्स में ऊपर रैली आएगी, फर्स्ट बनेगा, या फिर एक्स में ऊपर जाएगा और वापस जेड वेव नीचे आएगी, यस। ये 2 पॉसिबिलिटी अभी बैंक निफ्टी में है, तो क्या होगा वो पता नहीं है, वेट करेंगे, बराबर। ओके तो निफ्टी के स्टॉक्स क्या लग रहे हैं, रिलायंस, क्या रिलायंस का करेक्शन कंप्लीट हो गया, डिफिकल्ट लग रहा है। देखो ये 1 2 3 4 5 हो गया यहाँ पे, और हमने बोला कि एक बार रिट्रेसमेंट सेकंड वेव में आएगी, तो आइडियली इलियट वेव के हिसाब से यहाँ तक 25670 तक, आइडियली इलियट वेव के हिसाब से, या फिर एटलीस्ट यहाँ तक 2670 थर्ड वेव के आगे। ओके ये रैली इंपल्स में नहीं आई है, देखो ये इंपल्स में रैली अभी तक फिलहाल तो आई नहीं है, यस। तो मे भी वैसे हो सकता है रिलायंस में, ओके ये हो गया डब्ल्यू, फिर एक्स वेव ऊपर आएगी, फिर वाई वेव नीचे जाएगी, उसके बाद रिलायंस का करेक्शन कंप्लीट और फिर मार्केट ऊपर। तो ध्यान दो रिलायंस क्या कर रहे हैं, हेवी वेट स्टॉक पे ध्यान दो। आईसीआईसीआई बैंक में क्या चल रहा है, तो आईसीआईसीआई बैंक में हमने डिस्कस किया, ये देखो 1 2 3 4 5 यहाँ पे फिफ्थ आ गई, यस। हम लोग बार बार डिस्कस करते कि 4th वेव में लग रहा है और एक 5th वेव ऊपर आनी है, तो वो तो मीन्स रिजल्ट करा के आ गई 5th वेव ऊपर, बराबर, और उसके बाद नीचे आ गए। अभी ये क्लियर 5 वेव डाउन है, देखो 1 2 3 4 5 ये क्लियर 5 वेव डाउन है, अभी बी वेव में ऊपर जा रहा है, अभी बी वेव में ऊपर जा रहा है। अभी वो कब तक, कहाँ तक ऊपर जा सकता है बी वेव में, क्या बी वेव यहाँ पे कंप्लीट हुआ है और सी नीचे आएगा, वो अभी बोल नहीं सकते फिलहाल। जब तक ये लेवल के नीचे नहीं जाता, नीचे सी वेव स्टार्ट नहीं होगी, तो तब तक बी वेव चालू रहेगी। तो बी वेव कहाँ तक रिट्रेस हो सकती है, या तो यहाँ तक 1022, ओके रिट्रेसमेंट निकालते हैं, पिपना की रिट्रेसमेंट, तो देखो 1023 ये 50% रिट्रेसमेंट है, अभी 38% हुआ है, क्या कंप्लीट हुआ है वी कांट से राइट नाउ। ओके तो या तो 1023 या 1032 तक रिट्रेस हो सकती है बी वेव, उसके बाद सी वेव नीचे जाएगी, फिर आईसीआईसीआई का करेक्शन कंप्लीट होगा। एक्सिस में क्या हो रहा है, तो एक्सिस में भी देखो, एक्सिस में तो एक्सिस में 1 2 3 4 5 देखो 1 2 3 4 5 कंप्लीट हुआ, उसके बाद क्या करेक्शन कंप्लीट हुआ है, ये तो बहुत नीचे आ गया एक्सिस बैंक राइट, थोड़ा अकाउंट भी थोड़ा डाइसी हो जाता है, बट ओवरऑल देखो या तो यहाँ पे सेकेंड वेव कंप्लीट हुआ है ओके WXY ओके। एक्सिस बैंक में देखो ये W ये X ये Y यहाँ पे कंप्लीट देखो डाइवर्जेंस आया, देखो यहाँ पे नीचे नहीं गया बराबर, नया लो नहीं बना है, तो मे बी कंप्लीट हुआ है, या फिर इसमें अनदर एक्स वेव आएगी, फिर वाई वेव नीचे जेड वेव नीचे आएगी और फिर करेक्शन कंप्लीट होके फिर रैली करेगा मार्केट, ये एक प्रोबेबिलिटी है। एचडीएफसी बैंक में क्या लग रहा है, तो एचडीएफसी बैंक में मुझे लग रहा है फोर्थ वेव में ऊपर आना चाहिए। फोर्थ वेव में ये देख ये हो गया 1 2 फिर ये 3 एक्सटेंशन, फिर ये फोर्थ में ऊपर आना चाहिए, फिर फिफ्थ नीचे वापस। हमारा कितना कहाँ तक का आ रहा है एचडीएफसी बैंक, ये देखो ये 1313 तक आ रहा है बराबर, जरूरी नहीं कि वहां तक आना ही चाहिए, लेकिन मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ यहाँ पे फोर्थ वेव में ऊपर आ सकता है 1497 तक, ऑलमोस्ट 1500 तक आ सकता है, फिर उसके बाद एक बड़ा फॉल फिफ्थ वेव में शायद, और फिर उसके बाद उसका पैटर्न कंप्लीट होके रिवर्स करेगा। यस ये प्रोबेबिलिटीज है। मीनवाइल मेटल स्टॉक में शायद कंप्लीट भी हुआ होगा करेक्शन, तो सेल आज 3 साढ़े 3 टक्का ऊपर है देखो डेली पे, तो देखो ये बॉटम है, देखो ये बेस बॉटम बना के ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, क्या यहाँ पे 2 कंप्लीट हुआ है ABC करके, ABC शायद अभी हमें पता नहीं है, अगर ये लेवल क्रॉस होती है तो फिर मींस इसका तो करेक्शन। देखो हर एक इंडेक्स हर एक स्टॉक अलग अलग उसका वेव काउंट होता है, सेम विद देखो नेशनल एल्यूमिनियम आज 4 टक्का ऊपर है, तो देखो यार इसका भी करेक्शन कंप्लीट हुआ है। यस तो NMDC का भी वही लग रहा है, ये देखो हिंदुस्तान कॉपर का भी वही लग रहा है। यस तो मे बी ये स्टॉक में करेक्शन कंप्लीट होके ऊपर रैली स्टार्ट हो जाएगी, तो मेटल स्टॉक पे ध्यान दो। यस आईटी स्टॉक पे ध्यान दो, आईटी स्टॉक तो अच्छे ही है। यस देखो निफ्टी और बैंक निफ्टी को ध्यान ज्यादा मत दो, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देख लो और उसके बाद डिसाइड करो। यस तो निफ्टी का क्लियर है, निफ्टी का तो मुझे पता है कि करेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, एक्स वे ऊपर जाएगी फिर उसके बाद वापस नीचे करेक्शन आना है। बैंक निफ्टी में भी इधर हायर बॉटम बनेगा या लोअर, एक और एक लोअर बॉटम बन सकता है, लेकिन एक्स वेव ऊपर आने के बाद मींस एक बार बाउंस बैक आने के बाद ही मार्केट में फॉल आएगा अभी। यस तो वेट करेंगे नेक्स्ट वीक, देखते क्या होता है। यस अगर आपको सीखना है कैसे ट्रेडिंग करनी है, अभी मैंने थोड़ा बहुत एग्जाम्पल दिया ही कैसे करता हूँ मैं, तो देखो यहाँ पे इलियट वेव का हमारा कोर्स है, इलियट वेव प्राइस एक्शन का पूरा कंप्लीट कोर्स है, दोनों इलियट वेव भी सिखाया है, प्राइस एक्शन पैटर्न्स भी सिखा रहा हूं मैं, इलियट वेव और प्राइस एक्शन। यस यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। देखो यहाँ पे मेरे पिन ट्वीट में है, यहाँ पे देखो ये पिन ट्वीट है जो मेरा ट्विटर पे या फिर हमारे वेबसाइट पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यू कैन लर्न कंप्लीट इलियट वेव एंड प्राइस एक्शन एंड यू कैन ट्रेड बेस्ड ऑन दैट। आपको एक आइडिया मिलेगा कैसे ट्रेड करना है इलियट वेव प्राइस एक्शन बेस्ड। यस सो दैट्स इट। सो देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होता है। कीप लविंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग विद अस। यस और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो वीडियोस को। यस दिस इज हर्ष दीक्षित साइनिंग ऑफ अंटिल वी मीट अगेन।